दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में अब तक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ कितनी ही समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का सामना कर कुछ आदिवासी अपनी और देश की पहचान पूरी दुनिया में बनाते हैं। आज हम ऐसे ही पांच आदिवासियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अपने देश भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। मेरी कॉम। दोस्तों, मणिपुर की रहने वाली मेरी कॉम को तो आप जानते ही होंगे, उनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। मेरी कॉम का जन्म 20 नवंबर 1982 को गंगाथेई में हुआ और उनका पूरा नाम मेंगटेज चेग्नेजेंग मेरी कॉम है। यह भारतीय मुक्केबाज है और 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली वे एकमात्र महिला मुक्केबाज थी। दक्षिण कोरिया में आयोजित 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। वह 6 बार एशियाई एमच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनने वाली एकमात्र मुक्केबाज है। मेरी कॉम ने इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट्स कप में 51 किलोग्राम का स्वर्ण जीता। मेरी कॉम को मैग्निफिसेंट मेरी उपनाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2006 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 2, जयपाल सिंह मुंडा। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा एक संवैधानिक विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, लेखक और हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। भारत को हॉकी में पहला पदक जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में सन 1928 के ओलंपिक में मिला। उनका जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची में हुआ। जयपाल सिंह मुंडा ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दिया था। 1934 में वह घाना देश में शिक्षक रहे। 1937 में वे रायपुर के राजकुमार कॉलेज में प्राचार्य रहे। 1938 में वे बीकानेर रियासत में विदेश सचिव रहे। 1938 में उन्होंने पटना और रांची का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने आदिवासियों की दयनीय स्थिति देख उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। 1939 में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक अलग राज्य झारखंड बनाने की मांग रखी। आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के कहा गया। नंबर 3, कोमालिका बारी। कोमालिका का जन्म जमशेदपुर में हुआ। उन्होंने विश्व युवा तीरंदाजी में विश्व खिताब जीता। कोमालिका 12 वर्ष की आयु में ही बांस के बने धनुष बाण से प्रैक्टिस किया करते थे। इस कार्य में उनका घर वालों ने साथ दिया। कोमालिका करीब 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर टाटा तीरंदाजी अकादमी में प्रशिक्षण हेतु जाती थी। रिकर्व कैंडिडेट विश्व चैंपियन बनने वाली वे दूसरी भारतीय तीरंदाज हैं। कोमालिका के पिता ने कोमालिका के लिए तीरंदाजी का सामान खरीदने के लिए अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया था। नंबर 4, दिलीप तिर्की। इनका जन्म 25 नवंबर 1977 को सुंदरगढ़ ओडिशा में हुआ। दिलीप तिर्की हॉकी के खिलाड़ी, राजनेता और खेल प्रशासक हैं। दिलीप तिर्की अपने पेनाल्टी कॉर्नर हेड के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। वे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। वे 400 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उन्हें भारतीय हॉकी की दीवार कहते हैं। दिलीप तिर्की को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 5, बाईचुंग भुटिया। इनका जन्म 15 दिसंबर 1976 को सिक्किम के टिकीटम में हुआ। वे एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। बाईचुंग भुटिया को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय फुटबॉल का मसालची माना जाता है। बाईचुंग भुटिया ने 16 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया और ट्रेनिंग के लिए ईस्ट इंडिया क्लब गए। बाईचुंग भुटिया भारत के पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें इंग्लिश क्लब के लिए खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। 1993 में बाईचुंग भुटिया को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। बाईचुंग भुटिया अपने प्रशंसकों के बीच टॉर्च बीरर यानी मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं।